जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ इस टाइम श्री माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन पे, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6। श्री शक्ति से मैं आया हूँ यहाँ पे। अगर आप आना चाहें तो किसी भी ट्रेन के माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं, और नियर बाय जो एयरपोर्ट रहेगा वो रहता है हमारा जम्मू का। नवरात्रि स्पेशल वाली यात्रा होने वाली है हमारी ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना RFID कार्ड बनवाएंगे कम्प्लीट। आप इस वीडियो को देखना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि आपको यात्रा किस तरीके से करनी है। तो चलते हैं, पहले RFID कार्ड बनाते हैं। जय माता दी। RFID कार्ड का जो पंजीकरण होता था पहले यहाँ पर होता था, अब यहाँ से वो शिफ्ट होके रेलवे स्टेशन के बाहर चला गया है, तो बाहर ही चलते हैं एक बार। जो आप कटरा के रेलवे स्टेशन से यहाँ से एग्जिट होंगे, यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो स्टैंड देखने को मिलेगा। ये सामने आप देख रहे हैं, ये ऑटो स्टैंड है, यहीं से आपको ऑटो मिल जाएगा दशनी द्वार के लिए और कटरा मार्केट के लिए। अगर मैं ऑटो के चार्जेस की बात करूँ तो 210 रुपये का चार्ज है आपका कटरा मार्केट तक का ऑटो का, और 260 रुपये का दशनी द्वार तक का है, जहाँ जहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। देख रहे हैं यात्रा पर्ची काउंटर है, जो अब ये रेलवे स्टेशन पे बाहर आके बन चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी लंबी लाइन लगी है पीछे तक, तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि सामने आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको क्रॉस होकर आना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है आपको। कटरा चौक है, वहाँ से कराऊंगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए कटरा के चौक पे चलते हैं, वहीं से कराते हैं और आपको बाहर सिम का भी बता देते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपको यहाँ पे जियो का एयरटेल का कनेक्शन मिल जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे आके ना आपके प्रीपेड कनेक्शन बंद हो जाते हैं, तो भैया से आके ले सकते हो। तो जी, कटरा बस स्टैंड के जो यात्रा पर्ची काउंटर, वहाँ से हमने अपना RFID कार्ड बनवा लिया है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, उसको बनवाने के 12 घंटे के अंदर आपको क्रॉस करना है दर्शनी द्वार को। ये नई अपडेट है, पहले 4 घंटे था, उसके बाद 6 घंटे हुआ, 12 घंटे कर दिया है, तो ये बनवाना अनिवार्य है। इसको बनवाने के बाद ही आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। कटरा का जो है बस स्टैंड है, और इसी के सामने है निहारिका भवन। ये जो आप देख रहे हैं पूरा निहारिका भवन है, और यहाँ पर आपको इंक्वायरी और रिजर्वेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि निहारिका भवन में अंदर ना रूम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भोजनालय मिलेगा आपको, रूम्स की बुकिंग की इंक्वायरी मिल जाएगी, रिजर्वेशन भी रूम्स की यहीं से हो जाती है। तो अगर आप आ रहे हैं और आपको कटरा में स्टे चाहिए तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो निहारिका भवन में। तो ये ऐसे कुछ काउंटर है अंदर, आप ये देख रहे हो निहारिका इंक्वायरी काउंटर के बगल में, ये सारी जितनी भी है सारी डॉर्मेट्री है। और सामने आपकी साइड में, आप आगे की साइड में बढ़ेंगे तो आपको निहारिका भवन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सारे रूम्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, जो फैमिली रूम्स वगैरह सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भवन के लिए भी रूम बुक करना है ना, तो वो भी निहारिका भवन से ही आपका हो जाएगा, और रूम के चार्जेस, रूम की रिजर्वेशन आपको सारी यहीं पर ही आके बता देंगे। यहाँ से ना इस बस स्टैंड से आपको शिवखोड़ी के लिए, जम्मू के लिए, और जो जम्मू कश्मीर में आसपास कहीं भी जाना है आपको, यहाँ से आपको बस मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा फुहारा चौक है, और यहीं पर ही आपको होटल्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। अगर क्या है ना, होटल के चार्जेस अगर पूरे दिन के लिए लोगे तो आपको 1000 के आसपास पड़ेंगे, 1000 से ज़्यादा ना दें, और अगर फ्रेश अप होने के लिए लेना है तो 500 रुपये के आसपास आप दे सकते हैं। तो ये पीछे यहीं से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे, और यहाँ पर ही आपको आसपास होटल भी मिल जाएंगे। तो जब आप रेलवे स्टेशन से या कटरा चौक से आओगे तो आपको ऑटो यहीं पर पीछे उतारेगा, और यहीं से फिर आपकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं दशनी द्वार के, ये सामने दशनी द्वार है, और यहाँ से लाइन में लग के हमें आगे जाना है यात्रा में। ये आप देख रहे हो दर्शनी द्वार में आप ऐसे चेंजेस कर दिए हैं, यहाँ से आप लेफ्ट साइड में आ जाओगे लेडीज़ के लिए, राइट साइड वाला जेंट्स के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ से होती है अब दर्शनी द्वार की एंट्री, पहले यहाँ से साइड में से जाते थे, लेकिन अब एंट्री इन्होंने चेंज कर दिया, पूरी अच्छी तरह मैनेज कर दिया है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, और सामने आपका चेकिंग काउंटर है। तो जी, दर्शनी द्वार से हमारी एंट्री हो चुकी है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपकी चेकिंग होती है, कोई भी आपको ऐसी कोई नशे वाली चीज़ें कुछ नहीं लानी है यहाँ पर, और आपका RFID वगैरह वो चेक होता है यहाँ पे। यहाँ पे आज जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे फर्स्ट टेंपल देखने को मिलता है, इसके दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप एंट्री करेंगे यहाँ से तो आपको गुलशर कुमार जी का लंगर देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लंगर होता है, अगर आप आ रहे हैं तो लंगर यहाँ पे चक्के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर टेम्पल भी बना हुआ है एक। आप दर्शनी द्वार से आएंगे तो आपको दो रास्ते यहाँ से डिवाइडेड होते हुए दिखेंगे, ये रास्ता है ऊपर जा रहा है जो पुराना रास्ता है, ये नया रास्ता है जो जिसको बोलते हैं ताराकोट वाला रास्ता। ये रास्ता जो है ना, ये आपको पड़ेगा अराउंड 12 किलोमीटर, जो पुराना रास्ता है वो 12 किलोमीटर के आसपास पड़ता है भवन तक, और ये वाला रास्ता पड़ता है जो ताराकोट वाला है वो आपको पड़ेगा 15 किलोमीटर भवन तक, और ये दोनों ही रास्ते अर्धकुंवारी पे जाके मिल जाते हैं। तो हम चलते हैं पुराने वाले रास्ते से। सामने देख सकते हैं पौनी 2 काउंटर है, और यहीं से आपको घोड़ा मिल जाता है सामने, क्योंकि यहाँ पे घोड़े भी खड़े हुए दिखेंगे आपको। यहाँ से 1250 रुपये भवन तक है, और 650 रुपये अर्धकुंवारी तक है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पालकी है,
इसके 3150 रुपये चार्जेस है 80 kg तक, 80 kg से ज़्यादा वेट है आपका तो 4800 रुपये हो जाएंगे। तो छोटे बच्चों के लिए आप यहाँ से वॉकर भी ले सकते हैं जिसके चार्जेस 540 रुपये हैं और ऐसे लेके जाते हैं वॉकर में। ये यहाँ पे आपको जो शॉप दिख रही है फ़ोटो की शॉप्स हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने फ़ोटोशॉप भी करा सकते हैं। सामने सबने अपना पिंडी वाला रूप, माता का रूप बनाया हुआ है, सारे शॉप्स में आपको पिंडी वाला रूप दिखेगा माता का, आप ये देख रहे होगे, और यहाँ पे आप फ़ोटो अपनी खिंचवा सकते हैं। तो यहाँ से जब वो ऊपर से उतर के आएंगे नीचे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बाड़ंगा, यहाँ पे आप अपना स्नान वगैरह करके माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बाड़ंगा का। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ये पहली सीढ़ी है, यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो इन पौड़ी से भी जा सकते हैं, ये साथ में रास्ता है। और ये सीढ़ियाँ हैं तो 425 सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर तक, जो आपको अर्धकुंवारी से थोड़ा सा पहले ही छोड़ती हैं। और जब आप वापस आते हो तो वापस आते टाइम ये सीढ़ी लास्ट सीढ़ी होती है उतरते टाइम। हाँ, ये देख रहे हैं ऐसे लेके जाते हैं पालकी पे, अगर कोई आप जाना चाहो तो पालकी पे भी जा सकते हो। तो मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है। ट्रैक काफ़ी खाली खाली सा है क्योंकि नवरात्रि कल से हैं, तो कल ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो उससे पहले हम आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं यात्रा आपकी ताकि सुगम में वो अच्छी हो। ये आप देख सकते हैं ट्रैक का नज़ारा स्टार्टिंग में ही कैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो वॉकर भी रेंट पे ले सकते हैं, यहाँ पे वॉकर की शॉप है जहाँ पे आपको रेंट पे वॉकर मिल जाते हैं। ये 200 रुपये किराया है इसका पूरे दिन का। ये दो शॉप है, एक ये है और एक ये है वॉकर की। दर्शन कर रहे हैं, बाणगंगा का बाथिंग घाट है, तो चलते हैं एक बार अंदर। बाणगंगा का और बालगंगा का महत्व बताऊँ तो माता रानी ने यहाँ पे अपने केश धोए थे, बाल धोए थे, इसलिए इस जगह को बालगंगा कहा जाता है। और बाणगंगा भी कहा जाता है क्योंकि माता रानी ने यहाँ पे तीर चलाकर बाण चलाकर गंगा का प्रकट करी थी, तो इसलिए इस जगह को बाणगंगा भी कहा जाता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे भी बाथिंग घाट है पूरा का पूरा बाणगंगा का, आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको पूरा, आप देख रहे हैं पूरा बाणगंगा का बाथिंग घाट है, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। देख रहे हैं पानी का प्रेशर कितना तगड़ा देखने को मिल रहा है और बिल्कुल साफ़ पानी है यहाँ पर। ये आप इधर भी देख सकते हैं पूरी धारा इधर से निकल रही है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लेडीज़ का भी बाथिंग घाट बन चुका है, अगर लेडीज़ वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ पे अपना स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे जेंट्स वगैरह स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे लेडीज़ वगैरह का हो गया। तो ये था बाथिंग घाट बाणगंगा का, अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। बाकी हम थोड़ा आगे चलते ही पहुँच गए हैं गीता भवन पर, ये सामने आप देख रहे हैं गीता भवन है, ये गीता भवन पे दर्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये सामने आप दर्शन कर सकते हैं गीता भवन के, यहाँ पे माता रानी की बड़ी प्यारी सी मूर्ति आपको देखने को मिलती है। जो आप यात्रा में बढ़ते हैं तो सबसे पहला मेडिकल सेंटर आपको ये देखने को मिलता है, इसका नाम है पुष्पांजलि फ्री सर्विस और ये निःशुल्क है। प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो यहाँ पर आप अपना चेकअप करा सकते हैं। इस बार मैं यात्रा अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त दिलीप मोहंती वो भी साथ में यात्रा कर रहा है। तो कैसा लग रहा है यात्रा करते हुए? काफ़ी सालों बाद मेरे को माता ने बुलाया है, अभी मेरे पास शब्द नहीं है बट बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड या थर्ड टाइम आया होगा। तो जैसे कहते हैं माता का बुलावा जब आता है तो अचानक ही आता है, जैसे मेरा प्लान बना तो एकदम से ही इसने भी बोला कि मैं भी चलूँगा। तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के, जब माता रानी जिसको बुलाती है एकदम से बुला लेती हैं। बाकी धूप निकल चुकी है और टाइम हो गया है 8:10, भैया बना रहे गन्ने का रस। अगर आप न्यू पानी लेना चाहो, गन्ने का रस लेना चाहो, कुछ भी ले सकते हो, 30 रुपये का गिलास है, तो पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो गन्ने का रस पी के ना निकल चुके हैं, गन्ने का रस पी लो या न्यू पानी पी लो, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप चल रहे हो ना तो आपका पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन होना ही होना है। अगर आप कुछ पानी वगैरह नहीं पीते हो या न्यू पानी नहीं पीते हो या गन्ने का रस जो भी है नहीं पीते हो तो आपको डिहाइड्रेशन होगा तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। जब भी आप ट्रैक करते हो तभी आप अपना लिक्विड में कुछ भी पीते रहो तो ज़्यादा सही रहेगा। पीछे दर्शन कर रहे हैं, यह है चरण पादुका मंदिर। जब माता रानी का पीछा भैरवा हुआ कर रहे थे तो उसी दौरान में माता रानी ने यहाँ थोड़ी देर रुक के विश्राम किया था और पीछे मुड़ के देखा था तो यहाँ पे माता रानी के चरण जो है स्थापित हैं। मंदिर में अंदर जाएंगे तो आपको माता रानी के यहाँ पे चरण देखने को मिलेंगे और मंदिर 8 बजे खुल जाता है, अगर आप चाहें तो अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो ट्रैक है वो पूरा 2 किलोमीटर के आसपास कंप्लीट हो जाता है दर्शनी द्वार से बाणगंगा से, और अगर कटरा चौक से हम बात करें तो अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो ये टोटल जो ट्रैक है हमारा 12 किलोमीटर का ट्रैक है और जिसमें हमने 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको ना मेडिकल शॉप की भी देखने को मिलेगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से दवाइयाँ वगैरह अपना ले सकते हैं। कितनी तगड़ी धूप निकल रही है सामने
और पहाड़ों के पीछे से क्या मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अपना ट्रैक चलता हुआ, क्या मतलब कब चले थे भैया आप? कल शाम को। अच्छा, तो माता रानी की यात्रा आप देख रहे हैं इस तरीके से भी भैया कर रहे हैं। कल शाम को चले थे, शायद कल तक पहुंच जाएंगे। माता की यात्रा करने की अपने अपने श्रद्धा होती है लोगों की। कोई माता की लेट के यात्रा करता है, कोई घोड़े से करता है, कोई पैदल करता है, कोई हेलीकॉप्टर से करता है। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपका मन, वैसे आप यात्रा कर सकते हैं। तो ट्रैक करते करते आपको अगर कुछ नाश्ता वगैरह करना है, स्नैक्स कर लेना है, तो आप बीकानेर पे आके अपना नाश्ता कर सकते हो। तो बीकानेर के सामने ही आपको फ्रूट चाट की शॉप देखने को मिलेगी, जिसमें 40-30 रुपये का आपको यहाँ पे फ्रूट चाट मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो फ्रूट चाट लेके खा सकते हैं। और यहाँ पे अपना ट्रैक आगे बढ़ता हुआ, ना चाहे तो सीढ़ियों से भी आप जा सकते हैं। सीढ़ियों से थोड़ी ना थकावट जल्दी हो जाती है, तो जितना आप पैदल कवर करते हो उतना ही आपको बैठना पड़ जाता है, टाइम आपको बराबर लगता है और थकावट भी हो जाती है। तो आप पैदल यात्रा करो, वो ज़्यादा सही है सीढ़ियों के मुकाबले। जैसे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको श्री श्राइन बोर्ड का आलोक स्नैक्स का भोजनालय देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप टी, कॉफ़ी, बिस्किट वगैरह या चॉकलेट वगैरह कुछ भी जूस वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। सबकी यहाँ पे लिस्ट मेंशन है। और यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा दिखता है। पीछे ट्रैक पे काफ़ी कम भीड़ देखने को मिल रही है, साथ साथ में ना सीढ़ियाँ भी ऊपर चढ़ती रहती हैं। अर्धकुंवारी तक आपको सीढ़ियाँ पूरी देखने को मिलेंगी, अर्धकुंवारी के बाद फिर नॉर्मल ट्रैक हो जाता है। तो अर्धकुंवारी तक तो आपको सीढ़ी से आप आराम से जा सकते हैं। हमें ना चलते चलते अराउंड 5 किलोमीटर हो गए हैं और 1.5 घंटा हो चुका है। 7:30 बजे के आसपास हम चले थे, अभी टाइम हो रहा है 9:05, तो 1 किलोमीटर के आसपास अभी अर्धकुंवारी रह गया है। बाकी आपको यहाँ पर जेंट्स के और लेडीज़ के टॉयलेट आपको यहाँ रास्ते में मिल जाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है घोड़ा स्टैंड अर्धकुंवारी का। ये आपको नीचे जाना है, नीचे के लिए आपको घोड़ा यहीं से मिलेगा, ऊपर के लिए जाना है तो भी यहाँ यहीं से आपको घोड़ा मिल जाएगा। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये काउंटर है सामने, और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि घोड़े के जो चार्जेस हैं कितने कितने चार्जेस हैं, कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक के सारे चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये अर्धकुंवारी से पहले आपको भोजनालय देखने को मिलता है, जिसका नाम अब हटा दिया, वैसे इसका नाम था इंद्रप्रस्थ भोजनालय। यहाँ पर आपको स्नैक्स और खाना, नाश्ता वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे। और ये सामने रास्ता अर्धकुंवारी के लिए जाता हुआ। पीछे से यहाँ से आएंगे आप तो यहाँ पे आपको दो रास्ते जाने को मिलेंगे। एक रास्ता है हाथी मत्थे वाला, जो पड़ता है 6.5 किलोमीटर, और ये दूसरा रास्ता है हिमकोटी वाला, जो पड़ता है 5.5 किलोमीटर। अगर आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करने हैं तो आप हाथी मत्थे वाले रास्ते से जाएंगे, अदरवाइज़ आपको सीधा जाना है भवन की तरफ तो हिमकोटी वाला रास्ता आप ले सकते हैं। पहले मैं आपको आगे चल के एक बार बैटरी रिक्शा भी मिलता है इसी रास्ते पे, उसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम हाथी मत्थे वाले रास्ते से अर्धकुंवारी के दर्शन कराएंगे आपको। ये जो आप सामने काउंटर देख रहे हैं, ये बैटरी कार का, और बैटरी कार की अर्धकुंवारी से भवन तक की टिकट है 450 रुपये, आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और ये सामने काउंटर है बैटरी कार काउंटर। अगर आप चाहें तो इसकी टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको टिकट मिल जाती है। वैसे तो 2 से 2.5 महीने की कई बार वेटिंग भी हो जाती है, लेकिन कोई 1 महीने पहले भी अवेलेबल आराम से हो जाएगी। और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना जो ऑनलाइन बुकिंग है वो दिखानी है और आपको यहाँ से मिल जाएगी टिकट। ये जो आप चार्जेस देख रहे हैं, ये है पोनी के, पिट्ठू के और पालकी के चार्जेस, सबके रेट्स यहाँ पर मेंशन है। ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं अर्धकुंवारी के, यहाँ पर मैं रुका हूँ आपको नीचे कटरा का व्यू दिखाने के लिए। ये देखिए आप, कितना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है कटरा का। और ये सामने रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा है। अर्धकुंवारी पे वेटिंग हॉल है, ये आप देख सकते हैं, और इसके साथ में ही आपको यहाँ पे चिकित्सालय भी मिलेगा देखने को। यहाँ तक हमारा जो आधा रास्ता हो जाता है कंप्लीट, 6 किलोमीटर यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे 6 किलोमीटर रह गए। यहाँ पे आपको भोजनालय काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें सागर रत्ना हो गया, पूजा भोजनालय हो गया, और इसी के सामने आप श्राइन बोर्ड का भी भोजनालय देखने को मिलेगा। ये जो है, ये श्राइन बोर्ड का भोजनालय है, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे अपना नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नई कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है अर्धकुंवारी पे, बैठने का बना दिया, ऊपर ये लेंटर डाल दिया है, तो काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पे सामने बीकानेर है, और बीकानेर के आगे मैकडोनल्ड है, तो एक बार मैकडोनल्ड पे कुछ खा लेते हैं। तो भूख लग रही थी तो 2 मिनट्स ले लिए हैं, और 2 ले लिए हैं मैक आलू टिक्की, तो खाते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। जो आप सामने देख रहे हैं, ये रास्ता है हाथी मत्थे वाला, जो ऊपर की साइड में जा रहा है, और ऊपर ये ट्रैक सीधा माता के भवन चले जाता है। अब ये देख रहे हैं, ये सामने है अर्धकुंवारी मंदिर। इस जगह गर्भजून गुफा भी कहा जाता है, और माता रानी ने यहाँ पर 9 महीने तपस्या करी थी,
तो अगर आप गर्भ जून गुफा के दर्शन करते हैं तो आपको जन्म और मरण के से मुक्ति मिल जाती है, ये बताया जाता है। आपको जो दर्शन के लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको टोकन लेना पड़ता है और ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे दर्शन होते हैं। अभी आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 70वां ग्रुप चल रहा है, अभी ग्रुप नंबर 70 चल रहा है और ये यहाँ पे लाइन आप देख सकते हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये सारी अकोमोडेशन है भगवती भवन के नाम से, यहाँ पे आप निशुल्क स्टे कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग आपको यहीं पर ही आके मिलेगी। और अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी ये रास्ता जा रहा है भवन के लिए, तो बढ़ते हैं आगे भवन के लिए। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता है अर्धकुंवारी से, जिससे हम अभी आए हैं अर्धकुंवारी से, और ये रास्ता पुराने वाले रास्ते से नीचे से आ रहा है। और ये जो रास्ता नीचे की साइड में देख रहे हो आप, ये है ताराकोट वाला रास्ता जो नीचे से दर्शनी द्वार से कटता है, और ये रास्ता जा रहा है भवन के लिए हिमकोटी वाला। तो जब आप आएंगे इधर से अर्धकुंवारी से, अर्धकुंवारी से आने के बाद आप भवन वाले रास्ते पे आप चल पड़ेंगे। हिमकोटी वाले रास्ते पे ना आपको घोड़े वगैरह नहीं दिखेंगे और आराम से आप इस रास्ते से जा सकते हो। हिमकोटी वाला रास्ता सबसे बेस्ट रास्ता है और चढ़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है इस पर, और जैसे कि मैंने आपको बताया 5.5 किलोमीटर का रास्ता है ये। अपना काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन भी होने लगी है वैष्णो देवी में, जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है वैष्णो देवी की उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जाके अपनी बैटरी कार बुक कर सकते हो, आरती बुक कर सकते हो, हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो, रूम बुक कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। हालांकि आप रोप वे की भी फैसिलिटी आप ऑनलाइन ही ले सकते हो, ऑनलाइन ही आप सब कुछ बुक कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे रोप वे में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप रोप वे, बैटरी कार ये सब ऑनलाइन बुक करके आओ तो ज़्यादा सही रहेगा। रास्ते में आपको ना इस टाइप की काफ़ी जगह दिखेंगी जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, तो यहाँ पर ना टीन शेड इसलिए लगाई हुई, क्योंकि जब भी टीन शेड लगाते हैं वो टूट जाती है। अगर आप ऐसी जगह पर हो तो आराम से चलते रहो, रुको मत, क्योंकि क्या होता है ऊपर से कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है, तो थोड़ा चलते रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। हमारे बच्चों को बताएंगे, देखो भाई साहब मिले थे। तो यार जब फॉलोअर्स मिलते हैं ना, सब्सक्राइबर मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, और मैं ये यात्रा बार बार करता रहूँ, आप लोगों की हेल्प करता रहूँ इस यात्रा के थ्रू, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और कुछ भी हेल्प ले सकते हैं श्राइन बोर्ड से। मैंने आपको बैठने के लिए भी काफ़ी सारी चेयर्स वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पे आप आराम से रेस्ट करते करते आगे बढ़ सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, बैठने की काफ़ी सुविधा रास्ते में आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपको यहाँ तक वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपकी हेल्प हो रही हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मेरे को मिलती रहेगी। अगर माता रानी ने चाहा, माता रानी बुलाती रही टाइम टू टाइम, तो आपको ऐसी यात्रा दिखाते रहेंगे। अब हम पहुंच गए हैं अभी हिमकोटी के सामने, आप देख रहे हो ये हिमकोटी का भोजनालय है और ये डोसा पॉइंट है हिमकोटी का। आपको एक बार अंदर चल के मैं इसको, इस भोजनालय को दिखा देता हूँ। अगर आप आ रहे हैं तो आराम से यहाँ पर खाना वाना खा सकते हैं। यहाँ पर सिटिंग की अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा है, ये देखिए कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पर सिटिंग के लिए, आराम से आप बैठ के खा सकते हैं। और यहाँ पे भी इसमें सिटिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा स्पेस है सिटिंग का, और यहाँ से आप अपना कूपन लेके अपना खा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दूसरी डिस्पेंसरी देखने को मिलती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिस्पेंसरी हिमकोटी, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ चेकअप अपना करा सकते हैं। और ये साथ में ही चेक पोस्ट है यहाँ पर आगे हिमकोटी का। यहाँ से हमारा जो है भवन 3 किलोमीटर के आसपास रह गया है, और 1-1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, क्योंकि आराम आराम से चल रहे हैं हम भी, क्योंकि यहाँ तो फिर भी ठीक लग रहा है, नीचे की साइड में तो बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो वैष्णो देवी वाले ट्रैक पे ना मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि जगह जगह आपको पानी मिलता रहेगा, और पूरा जो ट्रैक है वो पूरा शेड से कवर रहता है। उसका क्या बेनिफिट रहता है ना कि पूरे में धूप हो रही है लेकिन हम आराम से अपना ट्रैक कर पा रहे हैं। ऐसे आप देख रहे हो इस तरीके से लिखा होता है जगह जगह, कई कई जगह ना ऐसी है जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं। अगर आप बैठते हो तो कई बार कई लोगों की के ऊपर भी गिर गए हैं पत्थर। अभी रिसेंटली में एक हादसा हुआ था आपको पता है, जिसमें 2 से 3 बंदों की जान चली गई थी। ट्रैक करते टाइम ना ऐसी जगह ना बैठें और चलते रहें तो ज़्यादा सही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सांझी छत, जब आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो हेलीकॉप्टर आपको इसी जगह पर ड्रॉप करता है। देखो आंटी जी कितनी एजेड है और माता रानी की यात्रा कर रही हैं। माता रानी राम राम। कितनी एजेड है माता रानी और ट्रैक कर रही हैं, कितने उम्र की हो माता रानी? 16 साल। आपकी उम्र कितनी है आपकी? जय माता दी, भगवान कल्याण करो। बड़ा अच्छा लगा माता जी को देख के, काफ़ी एजेड हैं, बता तो रही हैं अपनी उम्र अराउंड 90 के आसपास, और ट्रैक कर रही हैं। बहुत ही बहुत अच्छा लगा कि
हमें ऐसे माताओं के दर्शन, साक्षात माताओं के दर्शन हो रहे हैं, और क्या चाहिए। यहाँ से आप देख रहे हैं पहले दर्शन माता रानी के, कितने प्यारे दर्शन माता रानी के देखने को मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इसमें ये आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के। तो जी यहाँ तक हमारी यात्रा जो है, मैं आपको बता देता हूँ कितना टाइम लगा हमें। अभी भवन 500 मीटर के आसपास रह गया है और हमें टाइम लगा है यहाँ पे, हमने 7:30 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी और अभी टाइम हो रहा है 12:15, तो 4 घंटे 15 मिनट में हम अभी भवन पे पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आप लगा लो कि 4.5 घंटे, क्योंकि 15 मिनट में हम बिल्कुल भवन के सामने होंगे। तो जी पहुँच गए हम, और ये जो आप देख रहे हो ये टैक्सी स्टैंड है, बैटरी कार स्टैंड, यहीं पर ही आपको आके भवन पर उतारती है बैटरी कार, और उसके बाद फिर आपको चेक इन करा के फिर आगे बढ़ना होता है। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के भवन के जगह पे, क्या रौनक आपको देखने को मिल रही है। आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के यहाँ पे, और यहाँ आप सामने देख रहे हैं सजावट का काम जो है शुरू है, सजावट का काम अभी चल रहा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ये भवन के नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। ओम गणगणपते नमः के नाम से इन्होंने इस बार ये पैटर्न बनाया है यहाँ पे। जो देख रहे हैं बैटरी कार का काउंटर है, यहाँ से आप अपना बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं, और अगर आप बैटरी कार की ऑनलाइन टिकट निकालते हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आके दिखानी है टिकट, और आप अपनी टिकट आपको मिल जाएगी। और देखने को मिल रही है जिसमें तिरंगा बनाया गया है, बड़ी सुंदर सजावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप नया पैटर्न देख सकते हैं कितना सुंदर देखने को मिलता है, जय माता दी नवरात्रि के नाम से, और यहाँ पर माता रानियों की तस्वीर भी लगाई गई है। इस बार आपको आगे के और नज़ारे दिखाते हैं, ये देखिए ये द्वार बनाया गया है यहाँ पे कितना सुंदर, ये देखिए आप कितना सुंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो सजावट इस तरीके से अभी चल रही है, तो अगर आपको सजावट बहुत अच्छी लग रही होगी तो माता जी का जयकारा जरूर लगाना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये देखिए आप कितना सुंदर पैटर्न देखने को मिल रहा है ऊपर की साइड में, तो AI की हेल्प से बड़ी सुंदर सुंदर माता की तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई है, ये देखिए आप इतना सुंदर देखने को मिल रहा है कि वीडियो बंद करने का मन नहीं कर रहा है। काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, हर बार नया पैटर्न रहता है जैसे कि आपको पता ही होगा। पहले आप क्या करते हैं, पहले हम नहा लेते हैं, नहाने के बाद हम दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। ये जो आप स्नान घर देख रहे हैं ये जेंट्स का स्नान घर है और ये लेडीज़ का है इधर, यहाँ पर आराम से स्नान कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर स्नान का। तो जी नहा के ना फ्री हो गए हैं, अब आप चलते हैं जल्दी से लॉकर लेते हैं, लॉकर में अपने बैग वगैरह रखते हैं अंदर, और उसके बाद दर्शन करने चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको लॉकर रूम मिलते हैं, तो यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, नीचे जाके आपको लॉकर मिलते हैं, चलते हैं हम नीचे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है बस। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लॉकर्स हैं, इजीली आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप नहीं ले जा सकते नीचे, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लेदर आइटम आर नॉट अलाउड इन साइड द केव, तो ये सब आपको अलाउड नहीं है ले जानी, सब आपको लॉकर में ही रखनी पड़ेगी। ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये है लॉकर रूम, यहाँ लॉकर रूम मिलते हैं आपको, एक लॉकर दे देना सर, ताला मिल गया, किसी भी लॉकर के में आप इसको लगा यूज़ कर सकते हो। ये सारे लॉकर है जिसमें ताला नहीं लगा हुआ है, आप उसमें ताला लगा के यूज़ कर सकते हो उसको जैसे। तो जी अपने दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमारे, अब हम चल रहे हैं रोपवे के लिए। रोपवे की जो टिकट है मैंने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी, क्योंकि क्या है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप ऑनलाइन बुक करके आओगे तो आपका टाइम बचेगा। तो माता रानी यहाँ पे 3 पिंडियों में विराजी हुई हैं, जो है माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, तो ये 3 पिंडियों में आप माता रानी यहाँ देखने को मिलती हैं। चलते हैं अब रोपवे लेते हैं, और रोपवे लेके अपना भैरवों के दर्शन करते हैं। तो जी रोपवे से उतर गए हैं भैरवों के लिए, अब चलते हैं दर्शन करते हैं भैरवा जी के। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये सामने छोटी सी मार्केट देखने को मिलेगी भैरव बाबा पे, ये जो है भेंट शॉप है, यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाता है, 50 रुपये का भेंट प्रसाद है, और हैंड निटन जो होता है हाथ में कलावा बांधने वाला, वो 20 रुपये का है। जब हम माता रानी के दर्शन कर लेते हो ना, उसके बाद भैरव बाबा जी के दर्शन कर ले ज़रूरी हैं, बिना भैरव बाबा जी के दर्शन करें आपकी यात्रा जो संपूर्ण नहीं मानी जाती, तो इसलिए जब भी आप माता रानी के दर्शन करो तभी आप भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करो। यहाँ भैरव बाबा से आप दर्शन कर रहे हैं माता रानी के, ये देखिए कितने सुंदर दर्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और ये बाबा जी की भूति है, विभूति है यहाँ पे। तो जी ये थे भैरव बाबा जी के दर्शन, होप सो आपको ये पूरी यात्रा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे पाया हूँ इस यात्रा में।
अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय, जय माता दी।